जाए, ये समझ में आ जाए कि हमारा डिफरेंसेस क्या क्या है, ठीक है ना। हमने लास्ट टाइम आपको लिब्रे ऑफिस भी ओपन करके दिखाया था, ठीक है, मे बी आपको ओपन करके दिखाया था, और आज हम चलते हैं और इसका जो है होम टैब, एक एक टैब करके चलेंगे ताकि सब कुछ हमें क्लियर हो जाए। जैसा ऐसा नहीं है कि हमारा सिर्फ जो बुक में है सिर्फ उतना ही कंटेंट पढ़ना है, बाकी छोड़ देना। पूरा का पूरा एक्सेल की बात कर रहे हैं हम, पूरा का पूरा एक्सेल समझ लेते हैं, ठीक है, पूरा का पूरा एक्सेल वर्ड जो भी आ रहा है, ठीक है, ताकि कुछ रिमेन ना रहे। जैसा कि लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा था कि ये जो होता है ये हमारे क्या है, ये टैब है, जैसे फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट, ये टैब्स हैं। तो आज हम इन्हीं में से एक टैब यानी कि होम टैब के बारे में बात करेंगे, और होम टैब के बाद फिर इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला और इसी तरीके से सारे टैब्स हम लोग कवर कर लेंगे। तो बच्चों जब होम टैब की बात करते हैं तो होम टैब बिल्कुल आपका वैसे ही मिलता है जैसा आपने एमएस वर्ड में इस्तेमाल किया हुआ है, ठीक है, उसी तरीके का इंटरफेस होता है और उसी तरीके के आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो मोस्टली चीजें जो हैं आपकी एमएस वर्ड से रिलेटेड हैं, लेकिन फिर भी हम एक बार आपको एक्सप्लेन कर देंगे। अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपको इतने सारे डॉक्यूमेंट जो हैं वो एमएस वर्ड से रिलेटेड मिलेंगे। जैसे कि आप यहाँ से स्टार्ट करिए, ठीक है, यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, ठीक है, क्लिपबोर्ड से लेकर के क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट और हाँ अलाइनमेंट, ठीक है, अलाइनमेंट में ये रैप टेक्स्ट और मर्ज सेंटर जो है ये नहीं होते हैं, बाकी ये आपके सभी सेम हैं, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा कंटेंट ले लेते हैं और उसके साथ ही जो है उसको एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इतना ले लिया, इसको हम थोड़ा सा सिलेक्ट कर लेते हैं, होम टैब पे आ जाइए। तो बच्चे ये जो होता है ये आपका है कट, इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एक्स, कॉपी कंट्रोल प्लस सी और पेस्ट कंट्रोल प्लस वी, यानी कि हम यहाँ से किसी टेक्स्ट को है जो कट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं और पेस्ट कर सकते हैं। तो आप चाहें तो कंट्रोल प्लस एक्स जैसे ही प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से आ गया, ये कट हो गया। आपको जहाँ पेस्ट करना है वहाँ पे ऐसे क्लिक करिए और कंट्रोल प्लस वी कर दीजिए, तो ये देखिए यहाँ पर जो है आपका टेक्स्ट जो है कट हो गया, कट होकर के पेस्ट हो गया। इसी तरीके से आपको कॉपी करना है तो फिर से आप अपना टेक्स्ट सिलेक्ट कर लीजिए, सिलेक्ट करने के बाद होम टैब पे यहाँ पे कॉपी क्लिक करिए, जहाँ पे आपको पेस्ट करना है वहाँ पे आ जाइए और कंट्रोल प्लस वी, ठीक है ना, ये हो गया, ठीक है बच्चों, एक सेकंड। अब इस तरीके से जो है आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये आपका जो है कट कॉपी पेस्ट हो गया। इसी के बाद हम लोग चलते हैं हमारे पास यहाँ पर, देखिए इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो हमारा फॉर्मेट है या सेक्शन है इसको हम लोग बोलते हैं फॉन्ट स्टाइल। क्या बोलते हैं? फॉन्ट स्टाइल। ये हमारा फॉन्ट स्टाइल हो गया, ये हमारा जो है फॉन्ट साइज हो गया, और ये है आपका टेक्स्ट इंक्रीज और ये डिक्रीज। ये दोनों क्या करते हैं, इसमें से एक जो है ये हमेशा आपके टेक्स्ट को इंक्रीज करेगा, ठीक है। इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो आपको जो है इस तरीके का ट्रायंगल मिलेगा, सॉरी इस तरीके का ट्रायंगल देखने को मिलेगा एक में, ठीक है, इस तरीके से। तो जो इस जिसमें इस तरीके का ट्रायंगल है वो हमेशा इंक्रीज करेगा, और दूसरे में इस तरीके का ट्रायंगल मिलेगा ये डिक्रीज करेगा, ठीक है। ये आपका बोल्ड हो गया, ये इटैलिक हो गया, ये अंडरलाइन हो गया, ये आपका जो है बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन करते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये वाला फीचर आपको जो है एमएस वर्ड में इस जगह पर नहीं मिलता है, ठीक है, ये क्या करता है, ये आपका जो है बॉर्डर क्रिएट करता है आपके पूरे पेज में जो है बॉर्डर, बॉर्डर जहाँ पे आपको लगाना है, ठीक है, या आपने टेक्स्ट में लगाना है तो वहां पर ये बॉर्डर क्रिएट कर देता है। तो इस तरीके से आप इस पर क्लिक करेंगे तो ऑल बॉर्डर पे कर दीजिए, तो ये इस तरीके से बॉर्डर आ जाएगा, ये देखिए, ठीक है। या फिर आप सिंपल किसी एक ब्लॉक में करना चाहते हैं, किसी एक सेल में करना चाहते हैं तो वहां से भी ये हो जाएगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं, इसको थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड कलर करना है तो इस तरीके से आप हाईलाइट कर सकते हो, ठीक है, और अगर टेक्स्ट कलर करना है तो यहाँ से आप जो है इसका टेक्स्ट कलर कर सकते हो, ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से। बच्चों ये सारी की सारी चीजें जो है आपकी सेम रहेंगी, ठीक है, ये वही है आपका जो, अच्छा यहाँ से हम देख लेते हैं, आपको ये दिखा देते हैं, ये देखिए ये आपका जो है टेक्स्ट साइज इंक्रीज करेगा और दूसरा आपका टेक्स्ट साइज डिक्रीज करेगा, ये उतने पे ही वर्क करता है जितना आपने सिलेक्टेड एरिया आपको ने उसको दे रखा हो। और जब अलाइनमेंट पे जाते हैं तो हमको 6 ऑप्शन मिल जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो है ये है आपका टॉप, ठीक है, राइट मतलब टॉप लेफ्ट, ठीक है, टॉप अलाइनमेंट बोलते हैं इसको।
इसको हम लोग बोलते हैं मिडिल एलिजन और इसको बोलते हैं बॉटम एलिजन, ठीक है। और इसके बाद ही फिर हम यहाँ पर इसको बोलते हैं लेफ्ट, इसको सेंटर और इसको राइट, ठीक है ना। अगर हम टॉप पे करते तो अभी क्या है, अभी ये टॉप पे हैं, अगर इनको सेंटर कर देते हैं, ठीक है, पहले आप टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लीजिए और सेंटर पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से काम करते हैं, देखिए ये सेंटर पे हो गया, ठीक है। अभी ये लेफ्ट पे कर दीजिए इस तरीके से, और ये ठीक है, ये बॉटम पे है। अगर इनको टॉप पे करोगे तो हल्का सा जो है, जब इसको इंक्रीज साइज इंक्रीज करोगे तब आपको समझ में आएगा, ये हल्का सा जो है ऊपर के लिए ऊपर निकल जाते हैं, ठीक है। तो आपको जहाँ पे जैसे टेक्स्ट रखना है वैसे आप सुटेबल कर सकते हो, ठीक है। अभी इसके बाद हम लोग चलते हैं इसका, और इसका हम लोग बोलते हैं ऑरियंटेशन। यहाँ पे ऑरियंटेशन जो है पेज सेटअप नहीं करता है, आपका टेक्स्ट सेटअप करेगा। जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पर एक आपको डाल दिया टेक्स्ट, ठीक है। तो अभी देखो ये टेक्स्ट जो है थोड़ा सा इस तरीके से, अभी हम इसको चलते हैं और हमें आप टेक्स्ट के ऑरिएंटेशन देने, अलग अलग ऑरिएंटेशन देने हैं टेक्स्ट के, तो हम कैसे करेंगे। तो अभी ये देखो यहाँ पे क्लिक किया, तो अभी देखो ये कैसे लिख गया, ठीक है। इसी के साथ अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, वर्टिकल, ठीक है, रोटेट अप, रोटेट डाउन, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जैसा जो फॉर्मेट समझ में आता है आप वैसा कर सकते हो। यहाँ से आप इसकी जो है स्पेस वगैरह कम कर सकते हो इस तरीके से, ये देखिए जैसे, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, ये आप कर सकते हैं। अभी हम लोग बात करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट के, रैप टेक्स्ट के। तो ये क्या करता है, जैसे कि आपने मान लीजिए कि यहाँ पर दिया है, ठीक है, आपने इतना बड़ा लेटर दे दिया, आपको इतना बड़ा वर्ड दे दिया कि वो आपके लाइन को क्रॉस कर रहा है, लाइन लिमिट को क्रॉस कर रहा है, तब आपको क्या करना है, आप यहाँ पे इसको ऐसे सिलेक्ट कर लीजिए, ना भी सिलेक्ट करेंगे तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पे बस ऐसे टैप करिए और टैप करने के बाद रैप टेक्स्ट पे जाइए और उसको क्लिक कर दीजिए। तो रैप टेक्स्ट क्या करता है कि आपके जितना भी डेटा होता है उस डेटा को वो एक ही सेल में कन्वर्ट कर देता है, आपके अलग अलग जो सेल होते हैं उनमें नहीं ले जाता। इसको एक बार आप चाहें तो फिर से देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने डेटा रख रहे हैं इस तरीके से, मान लीजिए कि ये देखिए ये हमारा जो है लाइन क्रॉस कर गया, तो जैसे ही आप इस पर ऐसे क्लिक करिए, रैप टेक्स्ट पे क्लिक करिए और सॉरी, ठीक है, रैप टेक्स्ट पे क्लिक करिए, ये देखिए ये सारा का सारा मैटर जो है उसने आपके एक ही सेल में जो है फिलअप कर दिया, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं मर्ज एंड सेंटर की। तो मर्ज एंड सेंटर का मतलब होता है कि आप इसको जो है जो कि रो और कॉलम्स हैं इनको आप मिक्स करके, अगर आप एक ब्लैंक एरिया चाहते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्लिक करिए, इस तरीके से ब्लैंक एरिया आता है, जो आपकी ग्रिड लाइन्स है वो चली जाती हैं, ठीक है, ये ग्रिड लाइन्स जो है आपकी निकल जाती हैं, और इस पर आप दोबारा क्लिक कर देंगे तो नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। इसके बाद अच्छा, इसके बाद जो है नंबर फॉर्मेट, आप नंबर फॉर्मेट जैसे किसी का ऐड करना, जैसे नंबर ऐड करने, करेंसी ऐड करना, अकाउंटिंग ऐड करना है, डेट वगैरह, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, परसेंटेज, तो इस तरीके से आप इसको ऐड कर सकते हो। जैसे कि आपको परसेंटेज ऐड करना, तो ये देखिए ये परसेंटेज का ये ऑप्शन रहा, यहाँ पे डायरेक्टली आपने क्लिक किया और परसेंटेज ऐड हो गया। तो यहीं से आप, यहाँ से आप चाहें तो वही परसेंटेज यहाँ से भी आप ऐड कर सकते हो, तो देखिए सिंपली, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप यहाँ परसेंटेज ऐड कर सकते हो। यहाँ पर अगर आपको किसी तरीके का सिंबल चाहिए तो आप सिंबल ऐड कर सकते हो, जैसे कि मान लीजिए ये डॉलर लगा दिया, तो देखिए डॉलर लग गया। तो इसी तरीके डॉलर पे जाएंगे तो यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे जो है आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, ठीक है ना। आप फाइंड आउट करोगे तो बहुत सारे, मोर नंबर फंक्शन पे जाएंगे तो मोर नंबर फंक्शन में आपको ये इस तरीके से पूरा मिल जाता है, और इस तरीके से जब जाएंगे यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए बहुत सारे हैं, आप जो आप फाइंड आउट करेंगे सब मिलेगा, ठीक है, सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। उसके बाद ये जो होते हैं बच्चों, ये होता है आपका जैसे कि हम लोग किसी भी डेसिमल नंबर जो होते हैं ना, डेसिमल नंबर यानी कि आपके सॉरी, हाँ, डेसिमल नंबर जो आपके दशमलव के बाद जो डिजिट्स आते हैं उनको, उनके बाद जो डिजिट्स हैं, तो डिजिट्स के नंबर ये जो है इंक्रीज करता है और डिक्रीज करता है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, ये देख लीजिए ये वाला जो है ये हमेशा डिक्रीज करेगा और ये वाला इंक्रीज करेगा, करते कैसे हैं, ठीक है। तो जैसे कि ये आप सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, सिलेक्ट कर लिया, अब इस पर हम जो है क्लिक करते हैं, तो अभी देखो यहाँ पर सॉरी ये इंक्रीज करेगा, ये देखिए ये इंक्रीज करता हुआ जा रहा है। आप जितना क्लिक करते जाओगे उतने जो है
पॉइंट के बाद जीरो या डिजिट्स आपकी इंक्रीज होती चली जाएंगी, और इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये डिक्रीज करता हुआ चला जाता है। ठीक है, इस तरीके से ये डिक्रीज कर देगा। ठीक है, ये हो गया बच्चों, इसको हम लोग फिनिश कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ठीक है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग किस तरीके से काम करता है? एक्चुअली में कंडीशनल फॉर्मेटिंग में बहुत सारी चीजें आपको मिलती हैं। ठीक है, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या है? कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम लोग चलते हैं। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है सब कुछ, हाईलाइट द सेल। ठीक है, आप हाईलाइट सेल में जाएंगे तो ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट दैट कंटेन्स, सॉरी, ठीक है, अ डेट, अ क्वेरी, अ डुप्लीकेट वैल्यू। ठीक है, तो इनमें हम लोग चलते हैं, एक एक देखते हैं। तो यहाँ पर ग्रेटर देन पे क्लिक करते हैं तो ग्रेटर देन आप देख लीजिए, यहाँ पर हमने लिखा 10, ग्रेटर देन 10 या ग्रेटर देन 1, इसको ओके कर दीजिए। तो ये देखिए इसने जो है, एक सेकेंड, यहाँ पे पहले ये डॉलर वाला जो साइन है इसको हटा देते हैं। इसको हम यहाँ से ऐसे ले लेते हैं, अभी कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे चलते हैं और यहाँ पर लिया वो, ठीक है, और ग्रेटर देन ले लेंगे। तो जैसे ही ग्रेटर देन आ जाएगा तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 10, ठीक है, और ओके कर दीजिए। तो 10 से जितने भी ग्रेटर होंगे, यहाँ पे देखो इसने 9 छोड़ करके बाकी सभी को हाईलाइट कर दिया है, कलर कर दिया है। तो ये काम करता है आपका ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अभी सेम अगर आप इसको फिर से सिलेक्ट करिए और जाइए यहाँ पे, जाइए और फिर से यहाँ पे लिखा लेस देन और नंबर सेम डालिए 10। तो अभी जो है 10 से जितना लेस देन वैल्यू होगा उसको ये हाईलाइट कर देगा, कलर कर देगा। ठीक है, एक सेकेंड, ये ऑलरेडी हाईलाइटेड थे तो इसलिए जो है, अभी जाइए फिर से इस पर क्लिक करिए और यहाँ पे आ जाइए, लेस देन पे क्लिक करिए और यहाँ पर 10 और ओके। तो जैसे ही 10 करके ओके करेंगे तो यहाँ पर देखिए जो जो है आपका 10 से जितना छोटा वैल्यू होगा वो हाईलाइट हो गया। ठीक है, ये काम करता है। इसके साथ ही अगर हम लोग आगे चलते हैं और आगे देखते हैं तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में अभी आगे देखिए, हमने ग्रेटर देन देख लिया, लेस देन देख लिया, बिटवीन। अब बिटवीन की बात करते हैं, बिटवीन में क्या होगा, दो नंबर्स आते हैं, यानी कि ये दो नंबर्स के बीच की जितनी वैल्यू होगी आपकी वो कलर कर देगा। तो यहाँ पे हमने दे दिया 100 और यहाँ पर हमने दे दिया 500, 500, और इसको ओके कर दिया। तो दैट मीन्स कि देखिए यहाँ पे 100 और 500 के बीच में जो एक ही वैल्यू है वो है आपकी 453, उसको उसने कलर कर दिया। यहाँ पे 9 इसलिए कलर है क्योंकि उसको ऑलरेडी हमने कलर किया था पहले, ठीक है ना, इसलिए वो कलर है। ठीक है, तो यहाँ पर एक ही नंबर था इसलिए वो कलर हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर देखो इक्वल टू लिखा है, आप जितना जो आप नंबर दोगे उसके जो भी इक्वल होंगे वो सारे हाईलाइट हो जाएंगे। ठीक है, दैट टेक्स्ट कंटेन, तो यानी कि जिसमें टेक्स्ट होगा वो सारे के सारे हाईलाइट हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं टॉप टू बॉटम। ठीक है, इस पर क्लिक करते हैं। अगर मान लीजिए कि आप यहाँ पे टॉप 10 आइटम मांग रहा है, ठीक है, तो पहले हम एक लिस्ट बना लेते हैं छोटी सी, उसमें टॉप 10 आइटम दे देते हैं, 1, 2, 3। इस तरीके से हमने यहाँ पर देखिए लिस्टिंग कर दी और लिस्टिंग के बाद हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं पूरा। ठीक है, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आ गए और यहाँ पे गए, यहाँ पे हमने निकाला टॉप 10 आइटम। तो टॉप 10 आइटम या टॉप बॉटम आइटम निकाल देते हैं, ठीक है ना, तो यानी कि जो नीचे से होंगे वो कलर हाईलाइट हो जाएंगे। ये देखिए सबसे बड़ा आपका 10 है, फिर 9, 8, 7, इस तरीके से ये हाईलाइट कर देगा, यानी कि जो आपके सबसे बड़े 10 हैं वो निकाल के दे देगा, जो सबसे छोटे 10 हैं वो निकाल के दे देगा, और इसी तरीके से अलग अलग चीजें जो है आपको वो निकाल कर देता रहेगा, अबव एवरेज, बिलो एवरेज, इस तरीके से। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट आ जाते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट अपने यहाँ पर है क्या, डेटा बार। तो डेटा बार क्या होता है बच्चों, आपका डेटा के हिसाब से आपके सेल को कलर करता है। यहाँ पर देखिए डेटा बार जो है आपके सेल के हिसाब से कलर करता है इसको। ठीक है, ये देखिए कई सारे यहाँ पे अलग अलग कलर होंगे, सॉलिड कलर आपको चाहिए, ये ग्रेडियंट कलर होते हैं, ठीक है ना,
एक तरफ लाइट और एक तरफ डार्क, और ये जो होते हैं ये सॉलिड फिल कलर होते हैं। इस तरीके से आप इसको फिल कर सकते हो। यहाँ पे कलर स्केल होता है। कलर स्केल क्या करता है कि आपके पूरे के पूरे सेल को जो है कलर कर देता है अलग अलग ऑटोमेटिक। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे कलर है, आप इनका इस्तेमाल करेंगे तो ये कलर कर देता है। फिर आपका आ जाता है आइकन सेट। आइकन सेट आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपका आइकन सेट के हिसाब से जो है डेटा इंडिकेट कर देता है वो, ये इस तरीके से। ओके, इस तरीके से आपका डेटा इंडिकेट कर देता है, तो आप इनका इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद बच्चों हम लोग चलते हैं और देख लेते हैं अपना फॉर्मेट है टेबल स्टाइल। ठीक है, तो सबसे पहले उसके लिए हमें करना क्या होता है, एक एरिया सिलेक्ट कर लेते हैं। एरिया सिलेक्ट करने के बाद हमें क्या करना है, क्योंकि हमें फॉर्मेटिंग परफॉर्म करनी है, तो फॉर्मेटिंग परफॉर्म करने के लिए हम लोग फॉर्मेट एज टेबल पे क्लिक करते हैं। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, टेबल क्रिएट करते हैं। तो यहाँ से एक फॉर्मेट ले लेते हैं, कोई सा भी आपको फॉर्मेट चाहिए, ठीक है, जो आपको सुटेबल लग रहा हो उस फॉर्मेट को आप सिलेक्ट कर लीजिए और उस पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो एक देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके का पॉपअप विंडो खुल के आएगी और ये लिखेगा माई टेबल हैज हेडर। अगर आप इस पर टिक कर देंगे तो उसका हेडर भी बन के आएगा, अगर नहीं है तो वो नहीं आएगा, उसको ओके कर दीजिए। ठीक है, तो जैसे ही आप ओके करेंगे तो यहाँ पर देखिए जितना हमने एरिया सिलेक्ट किया था वो एरिया क्या है, वो आप एरिया आपका जो है एक टेबल में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, अब जब बच्चों आप टेबल पे काम करेंगे तो यहाँ पर देखिए एक डिजाइन टैब आपको अलग से मिल जाएगा। ठीक है, इस डिजाइन टैब को हम अलग से बात उस पर अलग से पढ़ेंगे। ये देखिए डिजाइन टैब अलग से खुल जाएगा, और जब आप डिजाइन टैब पे जाएंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। ये देखिए यहाँ पर आपको जो है डिजाइन इस पर डिजाइन अप करने के लिए अलग से कई सारे फीचर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, अभी हम इसको अपना होम टैब फिनिश कर रहे हैं, तो इसको अभी हम बाद में देखें। ठीक है, अब यहाँ पे जाएंगे तो आपको देखो ये अलग अलग फॉर्मेट्स है, आप यहाँ से अलग अलग अपने टेबल बना लिए और बहुत सारे फॉर्मेट है, आपको जैसा सुटेबल लगता है उस हिसाब से जो है आप इसको डिजाइन या स्टाइल दे सकते हैं। ओके, इसके बाद हम लोग बात करेंगे सेल स्टाइल की। तो यहाँ से आप अपने एक पर्टिकुलर सेल को जो है डिजाइन कर सकते हैं, और अगर बहुत सारे सेल्स को डिजाइन करना है यानी पूरी टेबल को ऐसे फॉर्मेट करना है तो आप ऐसे टेबल को सिलेक्ट कर लीजिए, फिर सेल स्टाइल पे आ जाइए और देखिए जिस तरीके का आप डिजाइन यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं उस तरीके का आप डिजाइन यहाँ पर ऐड कर पाएंगे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे डिजाइन है, आप जैसा इस्तेमाल करेंगे वैसा यहाँ पर शो होता रहेगा। ठीक है, इसी के साथ बच्चों हम लोग चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट और देख लेते हैं हमारा सेल टैब, सॉरी सेल ग्रुप। सेल ग्रुप में क्या है, इंसर्ट। तो आप यहाँ से इंसर्ट सेल कर सकते हैं, इंसर्ट रो कर सकते हैं, इंसर्ट कॉलम कर सकते हैं। ठीक है, और तो हम यहाँ पर रो और कॉलम इंसर्ट करके देख लेते हैं सिर्फ। तो इंसर्ट रो, तो जैसे ही रो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए एक सिंगल रो जो है वो आकर के इंसर्ट हो गई। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है इस तरीके से तो आप इसके बीच में देखिएगा अभी गैप पड़ जाएगा। ठीक है, तो इंसर्ट रो, ये देखिए यहाँ पर एक गैप ऐड हो गया ना, तो ये इंसर्ट रो हमने यहाँ पर रो ऐड कर ली। ठीक है, और भी देखिए हम यहाँ पर एक कॉलम ऐड करते हैं, अभी यहाँ पे कॉलम 5 है और इस तरीके से जाएंगे और एक कॉलम ऐड कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे कॉलम 4 हो गया, 5 हो गया, तो कॉलम 4 दो हो गए, 4 एंड 4, क्योंकि ये नया इंसर्ट हुआ है इसलिए। ठीक है, इस तरीके से, और यहीं से हम लोग सेम जो है उस तरीके से वो चीज़ें डिलीट कर सकते हैं और यहाँ से हम लोग वही चीज़ें जो है फॉर्मेट कर सकते हैं। बच्चों ये ऑटो सम और फिल और क्लियर, ये लोग ये जो आपका एडिटिंग ग्रुप रह गया है, एडिटिंग ग्रुप जो